कुत्ता और बंदर। एक बार एक जंगल में एक कुत्ता और एक बंदर रहते थे। एक दिन वे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कुत्ता बंदर को एक नए बाग के बारे में बता रहा था जो जंगल में रहने के लिए आया था। बाग बहुत चालाक है, वह सभी छोटे जानवरों को पकड़ता है और उन्हें खा जाता है। कुत्ते की बात सुनकर बंदर डर गया। मेरे प्रिय मित्र, मैं अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ पेड़ पर ही चढ़ना जानता हूँ। मुझे कोई नई तरकीब सिखाना, मुझे कुछ नई तरकीबें सीखने की जरूरत है। मुझे सारी चालें पता है। मैं झाड़ियों के चारों ओर कूद सकता हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, मैं पेड़ों के नीचे छिप सकता हूँ, मैं रेत भी खोद सकता हूँ और उसमें खुद को दफन कर सकता हूँ। क्योंकि मैं कई तरकीबें जानता हूँ, इसीलिए मैं खुद को बाघ से बचा भी सकता हूँ। तभी बंदर ने कुत्ते को कुछ तरकीबें सिखाने को कहा। दोस्त, तुम कुछ तरकीबें मुझे सिखा सकते हो? मुझे सिर्फ एक ही बात पता है, मुझे तो तरकीबें सीखने की बहुत जरूरत है। मेरी चाल बुद्धिमान जानवरों के लिए है। आप एक बुद्धिमान जानवर नहीं है, मैं तुम्हें सारी तरकीबें क्यों सिखाऊं? बंदर उदास हो गया। अचानक उसने देखा कि बाघ उसकी तरफ आ रहा है। धीरे धीरे बंदर ने कुत्ते से कहा, देखो बाघ आ रहा है, मैं अपनी चाल का उपयोग करने जा रहा हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ूंगा। आप भी अपनी तरकीबों का इस्तेमाल करके खुद को बचा लें और फिर बाघ के चले जाने के बाद हम मिलेंगे दोस्त। जल्द ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया। जब बाघ कुत्ते के पास आया तो कुत्ता इधर उधर भागने लगा। वह बाघ की झाड़ियों में छिप गया, लेकिन बाघ ने उसे पकड़ लिया। दुर्भाग्य से बाघ ने कुत्ते को पकड़ा और उसे मार डाला, उसका शिकार कर डाला। मगर कुत्ते ने कुछ तरकीब बंदर को बताई होती तो बंदर कुत्ते को बचा लेता। बंदर ने मुसीबत में पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन कुत्ते को बाघ की चाल का पता नहीं चला। इसीलिए यदि वे एक दूसरे के विचार को समझते तो वे अपने जीवन के लिए एक साथ बने रहते। अगर हम किसी को सही राह दिखाते हैं तो हमें उनकी बात पर अमल करना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।